आलू के अलग अलग तरह के पकोड़े तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन जो आलू लच्छा पकोड़ा है उसका टेस्ट काफ़ी अलग होता है। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। आलू का छिलका निकालने के बाद इसे आप पानी में देखिए इस तरह डिप करके रखें। ये ऑलमोस्ट आधा किलो आलू है, बिग साइज़ आलू लिया है मैंने यहाँ पे, और आलू के ऊपर जो भी काले स्पॉट्स रहते हैं वो आप निकाल लें। आलू को ग्रेट करने के लिए, कसने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह का ग्रेटर यूज़ किया है स्टील का, और ये बड़े होल वाला ही ग्रेटर आपको यूज़ करना है। जितने ज़्यादा मोटे लच्छे बनेंगे आलू के, पकौड़ों का टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैं तीनों आलू को देखिए इस तरह जो है ग्रेट कर लेती हूँ, और एक एक आलू को ग्रेट करने के बाद इमिडिएटली आपको उसे पानी में डालना है। ऐसे नहीं कि तीनों आलू को हम कस ले या जितने भी आलू है पकोड़े बनाने के लिए उसको आप कस ले और फिर पानी में डालें, ऐसा नहीं करें। आलू अगर काले पड़ जाएंगे तो पकौड़ों का जो कलर है वो अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए मैंने आलू को ग्रेट करने के बाद पानी के बोल में डाल दिया था और पानी काफ़ी गंदा हो गया है। आलू को इस तरह प्रेस करते हुए आपको इसका स्टार्च जो है निकाल लेना है। तो इस तरह जो है 2 से 3 बार आपको पानी चेंज करते रहना है। जितना ज़्यादा आप आलू में से स्टार्च अच्छे से निकालेंगे पकौड़ों का टेस्ट उतना अच्छा आएगा, प्लस पकौड़े जो है उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। आलू लच्छा को मैंने 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लिया है, और उसके बाद ये देखिए मैंने इस तरह छन्नी में रख दिया है ताकि इसका पानी जो है निकल जाए। आप चाहे तो हाथों से आलू को इस तरह प्रेस करते हुए पानी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए मैंने एक हैंकी में आलू लच्छा को शिफ्ट कर दिया और उसके बाद इस तरह पोटली बना के उसको प्रेस करके मैं जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेती हूँ। मेक श्योर कि आलू में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी जो है रहना नहीं चाहिए। तो इस बोल में देखिए मैंने आलू को खाली कर दिया है और एकदम आलू जो है सूखे सूखे लग रहे हैं, बिल्कुल भी इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं है। तो अब मैं इसके अंदर मिला देती हूँ 4 से 5 हरी मिर्ची है तीखी वाली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, और 7 से 8 कलियाँ हैं लहसुन की। इन सबको मैंने एकदम बारीक बारीक कट कर लिया है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ऑलमोस्ट 3 से 4 टेबल स्पून जितना फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर, हरा धनिया। आप हरा धनिया की जो क्वांटिटी है कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। उसके साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 कप है ये कॉर्नफ्लावर, और 1/4 कप ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मैदा। तो इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं है तो एक आलू के हिसाब से आपको 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच मैदा डालना है। कौन सा वाला चम्मच? जिससे हम दाल राइस खाते हैं वो। तो देखिए मैंने जब इसे मिक्स किया तो आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी सूखा है और इसके मतलब पकोड़े कैसे बनेंगे, बट इसको बहुत अच्छे से प्रेस करना है। जितना ज़्यादा आप आलू को अच्छे से प्रेस करोगे उतना ही ज़्यादा इसके अंदर से मॉइस्चर रिलीज़ होगा और हमें पानी की बिल्कुल भी नीड नहीं होगी। तो ये देखिए हमारा पकौड़ों का जो बैटर है वो इस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें कॉर्नफ्लावर या मैदा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आलू के लच्छे जो है बहुत क्लियरली दिखने चाहिए। पकौड़े जो हैं वो आपको मीडियम साइज़ के बनाने हैं, अगर आप छोटे बनाओगे तो बहुत ज़्यादा कड़क बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने तेल जो है गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद गैस का फ्लेम आप मीडियम कर दे, मीडियम फ्लेम पे ही पकौड़ों को फ्राई करेंगे, और जो भी पैन या कढ़ाई आप यूज़ कर रहे हैं इसे फ्राई करने के लिए उसका बेस ना थोड़ा सा फ्लैट होना चाहिए ताकि जो पकौड़े हम जब तेल में डालेंगे तो वो एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। तो कढ़ाई में जितनी स्पेस है उससे थोड़े पकौड़े जो है कम ही डालिएगा। पकौड़े डालने के बाद इमिडिएटली इसके अंदर आपको स्पून नहीं डालना है। जब पकौड़े अपने आप फ्राई होके थोड़ा सा कलर चेंज होके ऊपर आ जाता है उसके बाद हम इसे देखिए स्पून से पलटेंगे, एकदम हल्के हाथ से आपको इसे पलटना है। ये जो पकौड़ों का कलर रहता है काफ़ी लाइट ब्राउन रहेगा, क्रीमिश रहेगा, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है नहीं तो जले हुए आलू का टेस्ट आएगा। इसे फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मेक श्योर के गैस का फ्लेम आप मीडियम ही रखें। हाई फ्लेम पे पकौड़ों का जो टेस्ट है बिगड़ जाएगा और लो फ्लेम पे ये काफ़ी ऑयल पी लेगा और कच्चे रहेंगे।
तो मैं सेम वे में देखिए सेकंड बैच भी फ्राई कर लेती हूँ। मेक श्योर कि पकौड़ों की जो साइज़ है वो थोड़ी सी बड़ी बनाइएगा, एकदम छोटे मत बनाइएगा। तो ये लीजिए हमारे आलू लच्छा पकोड़े एकदम रेडी है। बस थोड़े से टिप्स अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से एकदम मॉइस्ट। तो ये देखिए मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको। अगर आपको फ्रेंच फ्राइज पसंद है तो 100% आपको ये भी पसंद आएंगे। पकोड़े खाने का जब भी मन करता है तो आलू के पकोड़े ही सबसे पहले दिमाग में आते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आलू के पकोड़े दिमाग में आए तो ये वाले पकोड़े जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी एकदम यूनिक लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा।